मुझे दो। इतने स्लो चलते हैं ना तुम्हारे हाथ। इसे हैरत की बात है आनिया, ऐसे अजीबोगरीब आइडियाज आते कहाँ से तुम्हारे पास? ये अजीबोगरीब से क्या मुराद है तुम्हारी? ये चायरी प्रोग्राम्स इंसानियत की खिदमत और सोसाइटी की फलाह बहबूद। और सोचो अगर मामा को पता चल गया तो? तुम अगर अपनी जबान बंद रखोगी ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब वैसे ये मालो इस बात पहुंचाएगा कौन दारुल अमान में? हमेशा की तरह इमाद पिक एंड ड्रॉप सर्विस हमारी खिदमत में हाजिर। वैसे ये खिदमत ना सिर्फ तुम्हें ही मिलती है, अगर मैं अमाद भाई को कुछ बोल दूं तो उन्हें तो सुनते ही मौत पड़ जाती है। बस कर जाओ, अगर अम्मी ने सुन लिया ना मार देंगी तुम्हें जान से। एक तो वो हमारे फर्स्ट कजन, फिर हमारे पड़ोसी, और पता है ना आजकल पड़ोसियों के कितने हकूक होते हैं। बड़ी हो गई है लेकिन अकल नहीं आई है मन कहते। दुआ का वास्ता आनिया बस कर जाओ, मैं भी उन पड़ोसियों से भी ना यही तकरीर सुनती रहती हूँ। और अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। क्या कहती है अम्मी? कि तुम्हें बिगाड़ने में सारा का सारा हाथ ना इमाद भाई का है। अभी तो रोहेल नहीं है यहाँ पे, मैंने तुम्हें पता चलता बता। Think of the devil. अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने इसके लिए सब कुछ लिख लिया है, कौन से बैग में डालना है सही से करना, अगर कुछ भी गलत हो मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। उठाओ पेन। कहाँ जा रही हो? मैं ये सारा काम अकेले नहीं करूंगी, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं सोने चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, और पता है बिल्कुल अभी अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जरूर इमाद से कोई झगड़ा हुआ होगा तुम्हारा, तभी याद आती है तुम्हें मेरी। फिलहाल तो नहीं हुआ लेकिन कल जरूर होगा, जब वो कंजूस मुझसे पेट्रोल के पैसे मांगेगा गिफ्ट डिलीवर करने के लिए। एक्सक्यूज मी, ये खालू जान की जो कमाई है हक हलाल की है, कहाँ उड़ाई जा रही है गिफ्ट पे? दारुल अमान में मदर्स डे है ना। तुम थकती नहीं हो ये काम करते करते? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ पाकिस्तान कब आ रहे हो? अभी आ जाता हूँ, हुक्म करो। रोहिल आई एम सीरियस, पता है मम्मा कितनी टेंस रहती हैं आजकल, और मेरे बारे में तो कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हैं। और पता है वो कुछ और सोचना भी शुरू हो गई है। एक बात बोलूं? ये कुछ और सोचने वाली बात ना मुझसे मत करना वरना मैं कुछ और कर जाऊंगा। फिलहाल तो ना मेरी जान निकाल देगी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं कल बात करती हूँ आपसे। हाँ गुड नाइट। जितनी कॉल्स रोहिल भाई तुम्हें करते हैं ना उतनी अगर खाला जान को भी कर ले तो वो इतनी दुखी ना हो। Don't jealous. It's my best friend. अमाद भाई भी यही कहते हैं। She's my best friend. है पूरी दुनिया में दोनों को क्या सिर्फ तुम ही मिली थी? ये बात सुनो, तुम यहाँ खड़े कुछ इतनी सारी बातें करी तो मैं काम नहीं करना? मैं तुम्हें इतना सारा काम देके आई थी ना। चलो छोड़ो मुझे, मेरे पीछे पड़ी रहती है और काम नहीं करती।